अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नमन और सुनैना का लाश लेकर हम आपके सामने आएंगे। सुनैना, सुनैना, अब ओ अरे हम तो भूल ही गए राजकुमारी जी, वो हमारा खानदानी जेवर उस सुनैना को पहनाना ही भूल गए। भूल क्या गए, वो फेरों के पहले बिटिया को पहनाते हैं, परंपरा है घर की, हम पहना कर लाते हैं। चला चको मुझे। अब सुनैना सिर्फ आपकी बिटिया ना है, हमारी बहुरिया भी है। आप लोग चाहते थे कि शादी जो है ना बिल्कुल सिंपल हो, हम आपका डिमांड मान गए, लेकिन अब आप हमारी परंपरा को भी फॉलो कीजिए। और वैसे भी आज के बाद सुनैना ससुराल वालों की हो गई है, और परंपरा के हिसाब से आज के दिन लड़की को ससुराल वालों के गहने पहनने चाहिए, हैं? ठीक है। कन्यादान की विधि करेंगे। बाबू साहब आइए, अपनी बिटिया का कन्यादान कीजिए। इन असुर का अंत समय आ गया है कुमुद, ये विधि का विधान बदलकर पाप कर रही हैं आप, मरने दीजिए उनका। हमारी बेटी नहीं, हमारे नाम पे लगा धब्बा है, अभी साफ है हमारे लिए, मर जाएंगे लेकिन इनका कन्यादान नहीं करेंगे हम। ये हमसे नहीं होगा। नहीं होगा। कुमुद जी, सब कहा है बाबू साहब कन्यादान काहे नहीं करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमरे सामने वो खुश होने का नाटक कर रहे हो, जबकि अंदर ही अंदर वो इस शादी के खिलाफ है? नहीं नहीं, ये किसी बातें कर रही हैं आप, ये ऐसी कोई बात नहीं। अब राजकुमारी जी, बाप का कलेजा है, बेटे की विदाई के वक्त तो कांपता ही होगा ना। कल रात से ही कह रहे हैं हमें, कैसे विदा कर पाएंगे अपनी बिटिया को मुख्य ससुराल, तो थोड़े परेशान है। एक काम करते हैं पंडित जी, आप कन्यादान की विधि शुरू कीजिए, हम बाहर जाकर उनको समझाकर वापस लाने की कोशिश करते हैं। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब सुनिए, बाबू साहब सुनिए, बाबू साहब।
बाबू साहब सुनिए, बाबू साहब रुकिए। कहाँ चाहती हैं आप? कहाँ चाहती हैं? यहाँ यहाँ बैठे सबको मार दें, खत्म कर देंगे इनको यहाँ पे। प्रवेश जी, सुनैना का कन्यादान तो आप ही कर सकते हैं। आप तो सुनैना के सगे चाचा हैं और चाचा तो पिता समान होता है। हाँ परवेश जी, बाबू साहब बहुत इमोशनली आ गए हैं और मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, तो आप ही कन्यादान कर दीजिए हैं। आप चाचा हैं, बाप समान है। रमोला जी आइए, आप भी आइए। हमारी बेटी का शादी भी तो दोनों मियाँ बीवी कूद कूद के रस्म निभा रहे थे, पर जब इनका तहखाना वाली का नंबर आया तो हमको बिठा दिए। विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। शांत हो जाइए ना बाबू साहब, हम कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, हम मौका ढूंढ रहे हैं। हम आपसे वादा भी किए हैं कि विदाई के पहले आपको किसी भी बता देंगे, तब तो माँ बेटी को अकेले मिलने से कोई नहीं रोकेगा ना। आप जॉन करना चाह रहे हैं ना, जल्दी कीजिए। काहे से कि जल्दी नहीं किया तो बहुत बुरा होगा, यहाँ लपेट लपेट सबको मारेंगे। शांत हो जाइए, हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर शादी हो भी गई ना, अभी विदाई नहीं होने देंगे। उन पर भरोसा रखिए, शांत हो जाइए और अंदर चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं। वर वधु का गठबंधन कीजिए। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब फेरे आरंभ करिए। चार फेरों में वर आगे चलेगा और कन्या उसके पीछे। तत्पश्चात अंतिम के तीन फेरों में वधू आगे चलेगी और वर उसके पीछे चलेगा। We'll be right back.
विवाह संपन्न हुआ। अब आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। एक कसम बाकी है। राजकुमारी जी अपनी कुलदेवी से मन्नत मांग के पाए थे हम सुनैना को। जन्म के वक्त हम ही माने थे कि जब की विदाई होगी तो हम पहले इको मंदिर ले जाएंगे दर्शन करवाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। शादी तो आपकी मर्जी से हो गई, विदाई पर हमको हमारा हक दे दीजिए। हमको सुनैना को देवी माँ के दर्शन कराने के लिए मंदिर ले जाने दीजिए। कैसी बात कर रही हैं कुमत जी, काहे नहीं जाने देंगे है? हम नहीं चाहते हैं कि आपकी कुल देवी हमसे नाराज हो जाए। ले जाइए हमारी बहुरिया को दर्शन के लिए, जाओ बिटिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं ले जाती हूं। कोरट का ऑर्डर शादी तक का ही था। हमारी बेटी की सुरक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग जाइए और खाना खाइए, अब कोई जरूरत नहीं, जाइए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है? देवी मैया को साक्षी मानकर हम तुमको तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच्चाई बताने जा रहे हैं। हो सके तो माफ कर देना। क्या बात है मां? सुनैना, बाबू साहब नहीं। ए, सुनो तुम दोनों, जाके गृह प्रवेश की तैयारी करो, जाओ जल्दी से। चलो सुनैना, तुम ठीक हो? देखो अगर तुम्हारा मन नहीं है या फिर तुम थक गई हो तो कोई बात नहीं, मैं माँ से बात कर लूंगा, बाकी की जितनी भी रस्में हैं वो हम कल कर लेंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि सुनैना तो खुद चाहती है। वो जल्दी से सुनैना नमन सिंह बनके अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखे। बस, धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आई फाइनली इतना जद्दोजहद के बाद हमारी अमानत हमरे घर आ गई है और भी पूरे रस्मो रिवाज के साथ है। खुश रहिए, जीते रहिए, दोनों की जोड़ी बनी रहे। नमक, ये बहुत तेज लगी है यार। कहने तुम्हारे शादी में टाइम मिला नहीं, पर आप में डांस से करते रहे हैं। जब आप कर दो यार ना कुछ नहीं तो इधर गीला हो जाए। तो घर में आके तो चुपचाप जाओ ना। घर में आके मतलब अरे सब लोग कहाँ सोचेंगे यार? हाँ? कहेंगे कि कहाँ चला गया गुड़वा तो? चलो ना चलते यार, पुलिस है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या करेंगे? चलो अब अपने दाहिने पांव से कलश गिराओ और आलते की थाली में आके खड़ी हो जाओ, फिर गृह प्रवेश करो। चलो देखा भाभी, आपके आते ही हमारे भैया आपके कदमों में बिछ गए। अब आगे पता नहीं क्या होगा। और नहीं तो क्या, हमने अपनी सासू माँ से वादा किया है कि सुनैना को अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखेंगे। और मुझे लगता है कि अब टेक्निकली प्रॉमिस निभाने का तो टाइम आ गया। क्यों बोलो? ये सब कहाँ है? हैं? एक कंस्ट्रक्शन का साइट है का? है जो कील फील गिरा के रखा है? ये सब डेकोरेशन वालों का काम है और कुछ नहीं। अब माँ कोई बात नहीं, मैं पैक आता हूँ। चल। अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो? बवा तो हमारे लड़के को जोरू का गुलाम बनाने का सोच रही है, ये तो होने नहीं देंगे हम। अरे अमेरिका से आया ना, सब कुछ बहुत टिप टॉप चाहिए उसको। पर अब कोनो खतरा नहीं है, कोई कील फील नहीं है। आओ तुम अंदर आओ। चल। बधाई हो, बधाई, घर में खुशियां आई है। अरे नाचो। अरे चलो, अरे आप लोग अंदर कैसे आ गए हैं बिना पूछे? अरे चलिए बाहर चलिए। अरे सुनिए हमारी बात। अरे इधर, ये कहाँ है? कहाँ मतलब है? अरे बउआ का शादी मुबारक हो राजकुमारी जी। बहुत अच्छा अकेला, ये गजब सुंदर है, मन कर रहा है अपने पास ही रख ले। शादी बहुत बहुत मुबारक हो बहुरिया। भगवान तेरा सुहाग हमेशा बनाए रखे। का राजकुमारी जी, इतना दिलदार होके शादी में इतना कंजूसी दिखा है, कोई दावत नहीं रखी? मोटा शगुन लेके जाएंगे आज तो। लाइए, दीजिए दीजिए।
अरे नाची, अरे दीजिए दीजिए, दूर हटिए। हम तो दुआ देने आए हैं, इतना दुर्राह का रही है, दावत खाने नहीं आए हैं। हमें शगुन दे दीजिए, हम चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, रुकिए भाई, दूर रुकिए, दे रहे शगुन। ये लीजिए लीजिए और निकलिए बाहर। हमारी दुआ लगे आपके बहू बेटी को, सात जन्म साथ रहे आपके बहू बेटी का जोड़ा। कौन थे ये लोग? कौन नहीं भाभी, ये पूछिए क्यों है ये लोग? अलग का ही नहीं रहते, जब देखो तब आ जाते हमारे समाज में। जो ना खुद नर में आते हैं ना नारी में आते हैं, वो का दुआ देंगे जिन्हें भगवान ने ही ऐसा बनाया है। सुनो, जाओ गंगा जल लेके आओ, ये सबको छू के रखा है, सब जगह छिड़को, सब शुद्ध करो। जी जी, थोड़ा गंगा जल ना सुनैना पे भी छिड़को, उन्होंने इसके चेहरे पे हाथ लगाया ना। कहने को दुआ देते हैं ये लोग, जबकि खुद भगवान की बनाई हुई सबसे बड़ी बद्दुआ है। आईना रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। दंगल प्ले ऐप पर।